हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही थी फोरहेड और अपर लिप्स बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप कहीं भी पार्लर जाने का टाइम ना मिले, या फिर कभी ऐसा है कि आपको तुरंत कहीं जाना है और आप पार्लर नहीं जा सकते हो, लेकिन अगर आपको खुद से अपना आईब्रो बनाने आएगा, अपना फोरहेड अपर लिप्स आप खुद से कर लोगे, तो आपको कहीं पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। या कितना बार होता है कि कहीं आप घूमने गए, गाँव गए, कहीं गए, तो वहां पे अच्छा पार्लर नहीं रहता है, तो आप अपने आईब्रो और फोरहेड को नहीं बना पाते हो, अपना थ्रेडिंग खुद से नहीं कर पाते हो। तो आज मैं खुद से, मतलब मैं पार्लर नहीं जाती हूँ, मैं घर पे ही अपना फोरहेड अपर लिप्स और थ्रेडिंग सब घर पे ही करती हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि कभी आप लोगों को भी जरूरत हो तो आप खुद से अपना अपर लिप्स बना सकते हैं, अपना फोरहेड बना सकते हैं। और आज का जो वीडियो है उसमें मैं सिर्फ आप लोगों को अपना अपर लिप्स और फोरहेड बनाने बताऊंगी, और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं आप लोगों को अपनी आईब्रो करने बताऊंगी, आप खुद से अपना थ्रेडिंग कैसे कर सकते हो ये बताऊंगी, क्योंकि एक ही साथ ये ज्यादा लंबा वीडियो भी हो जाएगा। और आपको शुरू में जब आप बना रहे हो तो आपको पहले अपने फोरहेड पर और अपर लिप्स पे इसका प्रैक्टिस करना है, फिर जाकर आपको अपने आईब्रो को बनाना है। इसलिए आज मैं सिर्फ अपर लिप्स और फोरहेड बना रही थी, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को आईब्रो का भी दिखा दूंगी। तो उसके लिए जो हम लोगों को फोरहेड और अपर लिप्स बनाना है उसके लिए हमें क्या चाहिए, तो उसके लिए आपको सिर्फ इस तरह का एक धागा जो आता है ना, थ्रेडिंग वाला धागा है ये, आप कोई भी धागा ले सकते हो, ये 40 नंबर का धागा है, और ये एक पॉन्ड्स का पाउडर है बस। और इससे क्या करना है आपको मैं बताती हूँ कि धागा कैसे आपको बनाना है। पहले आपको थोड़ा सा इस तरह से पाउडर को ले लेना है, अपने जैसे अपर लिप्स बनाना है तो साइड साइड से आपको इस तरह से लगा लेना है, इस तरह से आप लगा लिए, और फोरहेड भी बताऊंगी। पहले आपको इस तरह से लगा लेना है, थोड़ा सा पाउडर रहने से ना बहुत अच्छे से निकल जाता है, जो छोटा छोटा बाल भी होता है वो भी निकल जाता है। तो जो धागा है इस तरीके से, तो इस धागा को थोड़ा लंबा इस तरह से ले लेंगे, इतना करके ऐसा लेंगे कि ये गोला में आ जाए, जैसे गिट्ठा लगाएंगे हम, इतना बड़ा आ गया। अब यहां से हम इसे तोड़ लेते हैं, तो देखिए इतना बड़ा हम धागा ले लिए हैं यहां से यहां तक, तो आप खुद अपने अंदाजा से ले सकते हैं जितना आपके हाथ में। और यहाँ पे एक किनारी में जो है गिट्ठा लगा देंगे, इसका साइड से जो इसका साइड है ना उसको बिल्कुल गिट्ठा दे देंगे, ऐसे गिट्ठा लगा लिए। अब ये पूरा इस तरह से गोला बन गया, देख रहे हैं, पूरा इस तरह से गोला बन गया। तो इस तरीके से आपको धागा को पकड़ना है, और इसे क्या करना है, जैसे इस तरीके से पकड़े, इस साइड से इस तरह से इसको घुमा लेना है, बस इस तरह से घुमाना है। अब हमारा क्या हो गया, ये देखिए इस तरह से बन गया ना, बिल्कुल आराम से, बस एक गिट्ठा लगाना है, अपने हाथों को इस तरह से घुमा के इस तरह से, अब ये हमारा बन गया धागा। इससे आपको क्या करना है, लाइट के चलते बाल पूरा दिख नहीं रहा आपको, लेकिन देखिए तो इस तरह से कितना इजी और सिंपल तरीके से आप अपने अपर लिप्स को बना सकते हो, और बिल्कुल घर में आराम से, आपको किसी भी तरह का कोई भी जरूरत नहीं, किसी का हाथ नहीं चाहिए, बस अपने हाथ से आप बना सकते हो, और आपको जब जरूरत हो तो आप इसे यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको किसी के ऊपर भरोसे आश्रित रहना है, आपको जब जरूरत है आप एक धागा उठाइए, उसको मोड़िए, इस तरह से फोल्ड कीजिए और आराम से बना लीजिए। इसी तरीके से हम बनाएंगे अपने फोरहेड को, तो इसमें भी आपको हल्का पाउडर लगा लेना है पहले, जैसे इस तरीके से पूरा फोरहेड में पाउडर लगा ले, और पहले आपको अपने अपर लिप्स और फोरहेड पे ट्राई करना है, उसके बाद मैं आईब्रो बताऊंगी कि किस तरह आपको आईब्रो का शेप देके और आप खुद से अपनी आईब्रो को बना सकते हो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, मेरा आईब्रो भी बड़ा हो चुका है, ये देखिए पूरा बढ़ गया है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसे शेप देके अच्छे से बनाने बताऊंगी। तो आज सिर्फ अपर लिप्स और फोरहेड बता रही हूँ, तो इसी धागे को जैसे मैंने बताया मैं फिर से दूसरा धागा करके आपको दिखा दे रही हूँ, ताकि आपको थोड़ा आसान हो। जैसे इस तरीके से धागा लेना है, इतना लंबा लिए हैं, इसको इतना लेके फिर यहां से तोड़ लेना है और इसे बंद कर लेना है, यानी गिट्ठा लगा लेना है साइड साइड से,
इसे हम गिट्ठा दे देंगे। देखिए इसको इस तरह से गिट्ठा दे देना है बस। तो मैंने इसमें गिट्ठा लगा दिया, एक गिट्ठा लगा लेना है, फिर इस तरह से ही हो गया। अब इसको इस तरह से मोड़ देना है, देखिए गिट्ठा ही खुल गया मेरा। तो इसे अच्छे से गिट्ठा लगा देना है, दो गिट्ठा दे दीजिए, मैंने एक दिया था तो मेरा खुल गया है। देखिए फिर से एक लगा लेते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे गिट्ठा लगा दिया साइड में। देखिए अब इसे फिर से इस तरीके से ले लेना है, हाथों को इस तरह करके घुमा देना है। अगर उस टाइम आप नहीं देख पाएंगे तो ये देखिए, और यहां से जैसे आपका फोरहेड है यहां से इस तरह से देखिए कितना अच्छा से बाल पकड़ा आ रहा है और निकल भी रहा है, दर्द भी होता है। तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है बिल्कुल आराम से, इस तरह से पाउडर लगा लीजिएगा थोड़ा ताकि अच्छे से निकल जाए। और जिसको डर लगता है ना पार्लर में बनवाने में कि बहुत दर्द होगा, तो आप खुद से इसी तरह से धीरे धीरे करके निकाल सकते हैं। थोड़ा दर्द तो होता ही है लेकिन इस तरह से खुद से निकालेंगे ना तो धीरे धीरे करके आप अच्छे से अपना फोरहेड अपर लिप्स घर में बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए कितना अच्छा से बाल पकड़ा जाता है, इस तरह से यहाँ से भी दिखा रही हूँ, तो इस तरह से। और सिर्फ यही दो धागा से मैं आप लोगों को आईब्रो भी करने बताऊंगी, उसके लिए मैं कोई ये चिमटी या किसी तरह का कुछ नहीं बताऊंगी कि लेके उसको यूज करना है। आप सिर्फ यही धागा से अपने आईब्रो को भी बना सकते हैं बिल्कुल अच्छे से शेप देकर। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में वो जरूर बताऊंगी कि किस तरह से आपको अपने थ्रेडिंग खुद से करना है। जब जरूरत हो, कहीं जाना है कहीं निकलना है, बस 5 मिनट बैठिए, अपना फोरहेड बना लीजिए, आईब्रो बना लीजिए, इस तरीके से आपको करना है। तो अब देख रहे कितना अच्छा से पकड़ा जा रहा है और निकल भी रहा है। तो इस तरह से आपको कर लेना है, देखिए कितना अच्छा से बाल आ जाता है। तो इस तरह आपको बनाना है। उसके बाद जब ये पूरा हो जाए तो आप अपने अपर लिप्स और फोरहेड पे थोड़ा एलोवेरा जेल लगा ले या मॉइस्चराइजर। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आईब्रो करना खुद से बताऊंगी, जो आप सिर्फ एक धागा का ये से कर सकते हो और उसमें आपको एक सीजर का जरूरत पड़ेगा बस। और बस मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप खुद से अपना आईब्रो कैसे बना सकते हो। तो मैं पार्लर नहीं जाती हूँ, मैं खुद से अपना घर पे ही इसे यूज करती हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसे शेयर करूं कि आप लोगों को भी कभी जरूरत हो तो आप भी इसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो बेल बटन आता है उसे प्रेस कर दें ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूं आप लोगों को मिल सके। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।